हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे वाइट हेयर्स देख लें, सफ़ेद बाल देख लें। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने सफ़ेद हुए बालों को बिल्कुल जड़ से काला बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे, इसे अप्लाई कैसे करना, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ले लेना है आयरन वेसल, यानी कि लोहे का बर्तन। दोस्तों, आयरन का जो तत्व होता है ना, ये हमारे बालों पे बहुत अच्छा काम करता है। सफ़ेद हुए बालों पे 100% ये वर्क करता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है आंवला जूस, यानी कि इंडियन गूजबेरी का जूस मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे पतंजलि का ऐड कर रही हूँ। एक कप इतना आपको आंवला जूस ले लेना है। आप चाहे तो फ्रेश आंवला को ग्रेट करके भी उसका जूस ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड में डालने वाली हूँ चाय की पत्ती। दोस्तों, ये वही चाय की पत्ती है जो कि आपके घर में किचन में अवेलेबल होता है। तो एक चम्मच इतना आपको लेना है चाय की पत्ती। ये आपके बालों को जड़ से काला बनाएगा, साथ ही साथ बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक लास्ट इंग्रेडिएंट मैं अभी ऐड करने वाली हूँ, तो वो है हल्दी पाउडर, जो कि एंटीसेप्टिक एंटीफंगल का काम करता है। हमारे बालों को जड़ से काला बनाने में भी हेल्प करता है, बालों में जो भी इचीनेस हो, ड्राइनेस हो, सबको दूर करता है, बालों की ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। तो दोस्तों, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे हमें पकाना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि सारी गुडनेस इस आंवले के जूस में उतर के चला आए। दोस्तों, मैं जो आपको आज रेमेडी बता रही हूँ ना, ये 100% आपके सफ़ेद हुए बालों पे वर्क करेगा, साथ ही साथ आपके बालों को घना बनाएगा, लंबा बनाएगा और मजबूत बनाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक छोड़ दूंगी। उसके बाद इसे हमें किसी भी स्ट्रेनर से, छन्नी से छान लेना है। किसी भी बाउल में आप छान के इसे निकाल लें। तो आपको मैं दिखाती हूँ, मैं इस तरह से इसे छान के निकाल ली थी स्ट्रेनर की सहायता से। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ ये पाउडर। तो ये है काला कत्था पाउडर। दोस्तों, काला कत्था आपको ईजली मिल जाएगा मार्केट में, या तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप पान दुकान से ब्राउन कत्था लेके आए और उसे हल्का सा रोस्ट कर दें। उसके बाद उसे ग्राइंड करके यहाँ पे ऐड ऑन करें। तो बस आधा चम्मच आपको ऐड कर देना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और आपकी ये रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इसे आपको रात को लगाना है। रात को जैसे कि हम हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह अपने बालों पे मसाज करते हुए पूरी अच्छी तरह से आपको लगा लेना है और आपको नेक्स्ट डे इसे वॉश करना है। शैम्पू से मत वॉश कीजिएगा, उसके बाद आपको तेल लगा लेना है और फिर उसके नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। तो ये थी रेमेडी, थैंक यू।